सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज से कुछ दिनों बाद हमारा नया वेपन रोल गेम के अंदर आने वाला है। हाँ। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगला वेपन रोल कौन सा आने वाला है गेम में। भाई मुंह की बात छील ले। तो टेंशन ना लो, मुझे मिल चुका है हमारी गेम में आने वाला अगला वेपन रोल, जो कि तुम्हें आज की वीडियो में दिखाने वाली हूं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वेपन रोल के बारे में, साथ ही साथ आप लोगों के लिए ब्लू लॉक कोलैबोरेशन का फ्री का बंडल भी निकल के आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में रिव्यू करके बताने वाली हूं। और सिर्फ फोटो ही नहीं दिखाने वाली, वीडियो भी इस बंडल की दिखाने वाली हूं। तो पहली वीडियो निकल के आई है ब्लू लॉक कोलैबोरेशन के बंडल की, जो कि आप लोगों को फ्री मिलेगा, वो आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये हुई ना बात। और भी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं गेम में आने वाले नए बुइया पास के बारे में, क्योंकि यार बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल ट्रेलर निकल के आ चुका है हमारे आने वाले अगले बुइया पास का। एंड मैंने बुइया पास पूरा आप लोगों को पहले की वीडियोस में दिखा रखा है, एंड ये जो बुइया पास है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 1 सितंबर को हमारी गेम के अंदर। एंड इस बार का जो बुइया पास है पूरा यार आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा लाइक डाकुओं की थीम पर बेस्ड होने वाला है, जिसके मेल और फीमेल के बंडल एंड बाकी के कुछ रिवॉर्ड्स भी आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में। सो ये जो बुइया पास है हमारा सितंबर मंथ का होने वाला है, जो कि 1 सितंबर को हमारे इंडिया, बांग्लादेश एंड फ्री फायर के बाकी सभी सर्वर्स में आ जाएगा। ओके तो गाइस, सभी बात करते हैं गेम में आने वाले कुछ नए बंडल्स के बारे में, जो कि यार आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एक नया फीमेल का बंडल निकल के आया है, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम रियल टाइप का लग रहा है, जैसे रियल में लड़कियां ऐसे पजामा और टी शर्ट टाइप की पहनती है, वैसा ही ये दिखने में लग रहा है। काफी ज्यादा कैजुअल लुक इसको दिया गया है, तो मुझे तो काफी पसंद आया है, कलर भी काफी ज्यादा लाइक ठीक ठाक सा है इसका। ये जो बंडल है आप लोगों को इस अपडेट के बाद हमारी गेम में किसी ना किसी पेड इवेंट में या फिर फ्री के इवेंट में भी देखने को मिल सकता है। सो आई नो लड़कियों को तो ये बंडल काफी पसंद आया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक मेल का बंडल भी है, जो कि यार कॉपी बंडल है, मतलब इसके जैसा बंडल एक सेम हमारी गेम में है, रेड एंड ब्लैक कलर का, जो कि आपको फ्री में भी मिल चुका है, सभी लोगों को पता ही होगा मोस्टली, जितने भी थोड़े भी पुराने प्लेयर हैं, उसी का ये सेम बंडल है, बस कलर इसका चेंज कर दिया। तो ये भी आई थिंक आप लोगों को आने वाले किसी ना किसी इवेंट में फ्री में देखने को मिल जाएगा। इतनी खुशी। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो ब्लू लॉक कोलैबोरेशन का एक बंडल है, वो भी निकल के आ चुका है, जो कि उनकी मेन ड्रेस है ब्लू वाली, जो कि आप लोग देख सकते हो फोटो में भी। तो ये जो बंडल है वैसे तो दिखने में 2D टाइप का ही लग रहा है, इन लोगों ने बनाया है, लेकिन जो बाकी के बंडल आएंगे वो भी तक रिवील नहीं हुए हैं, जैसे कि व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, वो जब आएंगे तो वो आई थिंक और अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बंडल है आप लोगों को सिंपल देखने को मिलने वाला है, इसका जो टॉप बॉटम है अलग अलग आप लोग पहना सकते हो। एंड ये सेम ही बंडल आप लोग मेल और फीमेल दोनों करेक्टर्स पे यूज कर सकते हो। तो जितने भी लोग पूछ रहे थे कि ब्लू लॉक का बंडल कोई फीमेल का होगा, तो यही वाला बंडल आप लोग फीमेल में भी पहना पाओगे एंड मेल भी पहना पाओगे। एंड मुझे तो ये भी लगता है कि यही जो बंडल है आप लोगों को ब्लू लॉक के कोलैबोरेशन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। Yes, क्योंकि यही सबसे सिंपल सा बंडल है इस वाले कोलैबोरेशन का, बाकी के जितने भी हैं वो सारे जर्सी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, मेन करेक्टर्स के बंडल्स है, जैसे कि व्हाइट वाला, ब्लैक वाला एंड ब्लू वाला। तो ये तो आप लोगों को पक्का पेड इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेंगे, इसलिए इसी वाले बंडल के चांस बन रहे हैं कि यही शायद आप लोगों को फ्री में देखने को मिलने वाला है। क्या बात है। एंड इसके अलावा जो दूसरे बंडल आने वाले हैं जर्सी वाले, उनके लिए तो लीक्स है कि उनका जो फेस है करेक्टर का वो भी देखने को मिलेगा सेम एनिमे वाला, जैसे कि सागी का पूरा फेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, नागी का देखने को मिलेगा, बाकी देखते अभी तक निकल के नहीं आया है, वो जब निकल के आएगा तभी पता चलेगा कि देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी के सारे बंडल पेड ही आएंगे, अगर फ्री में मिलेगा तो आपको यही वाला देखने को मिलेगा ब्लू लॉक के कोलैबोरेशन में। ओके बाकी आप लोग टेंशन ना लो, जैसे मुझे कुछ और अपडेट मिलेगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगी। अभी बात करते हैं हमारे अगले इवेंट के बारे में। सो गेम में बहुत ही जल्दी एक नया लक रोल आने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को नए फॉक्स वाले बंडल देखने को मिलेंगे। इनका रिव्यू मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी करवाया था, लेकिन ये जो बंडल है यार सच में काफी ज़रा बढ़िया है, काफी अच्छे से एनिमेशन वगैरह आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड पहले के हमारे जो मैजिकल फॉक्स वाले बंडल है उनका ही आप लोग थोड़ा नया वर्जन इनको बोल सकते हो, ये भी फॉक्स वाले ही बंडल रहने वाले हैं, साथ में इनके इमोट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि ये जो लक रोल है आपको हमारी गेम में नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी बंडल पसंद हो तो अपने डायमंड बचा के रख सकते हो, या तो इस तरह के लक रोल में आएंगे या फिर आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं यूनिवर्सल टोकन के बदले में। तो अगर आपको लेना हो तो अपने डायमंड बचा के रख लेना, नेक्स्ट मंथ इनके आने के काफी चांस है। ओके एंड अभी कैसे हम लोग पहली बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। सो पिछली वीडियो में मैंने जो गन बताई थी उसके बारे में काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि वो फेरडिविल में आ चुकी है VSS की गन्स की, तो सॉरी मेरे को याद नहीं था कि वो फेरडिविल में आ गई है, लेकिन अभी एक नई गन्स की निकल के आई है, जिसके बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल में देखने को मिलेगी। वो गन स्किन आप लोग इस बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये हमारी एक नई गन स्किन गेम्स की फाइल में एड हुई है, जिसका नाम है AR-94, मतलब AR-94 की गन स्किन रहने वाली है। वैसे तो ये कहने को एक लेजेंडरी गन स्किन है, लेकिन ये लेजेंडरी गन स्किन के नाम पे पूरा धब्बा है। मगर क्यों? क्योंकि कई सर इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो बहुत ही बेकार करीना फ्री फायर ने डाले हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके, क्योंकि लेजेंडरी गन स्किन होने के बाद भी इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आप लोगों को सब सिंगल में प्लस देखने को मिलेंगे, एक भी एट्रीब्यूट इसके अंदर डबल प्लस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या है? पता नहीं किस हिसाब की लेजेंडरी गन स्किन फ्री फायर ने ये डिजाइन की है इस बार नई। एंड यार जैसे तुम सिंगल हो मैं सिंगल हूँ, वैसे गन स्किन के सारे एट्रीब्यूट्स भी पूरे सिंगल ही देखने को मिलेंगे।
अगले वेपन रॉयल के अंदर, लेकिन आपको पता है कि इंडिया सर्वर के अंदर हमेशा पुरानी गन स्किन्स एंड पुराने गोल्ड रॉयल ही आते हैं जो कि ऑलरेडी पिछले मतलब बाहर के सर्वर्स में आ चुके होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप लोगों को इस बार भी ये गन स्किन देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है उसके सबसे ज्यादा चांस है MP40 के, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। काफी ज्यादा पुरानी गन स्किन है, अभी तक हमारे इंडिया के अंदर एक बार भी नहीं आए, तो ये आप लोगों को अगले वेपन रॉयल में देखने को मिल सकती है जिसके 90% चांस। एंड अगर ये भी नहीं आती है तो एक और भी गन स्किन है जिसके बहुत ज्यादा चांस बन गए हैं, वो है हमारी ये M60 की गन स्किन। ये भी पिछले बार काफी सारे सर्वर्स में थी, तो इसके भी बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आप लोगों को ये M60 की जो गन स्किन है ये भी अगले वेपन रॉयल में देखने को मिल सकती है। इतनी खुशी। तो अभी के लिए तो यही पॉसिबल गन स्किन्स निकल कर आ रही है, N94 की, MP40 की और हमारी M60 की। तो आप लोगों को तीनों में से कौन सी बढ़िया लगी है कमेंट करके जरूर से बताना। ओके, एंड बाकी कई 4 सितंबर को हमारा अगला वेपन रॉयल चेंज हो जाएगा। बाकी आपके आईडी में भी कितने लक रॉयल के वाउचर है कमेंट करके बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाइक करना पैपर हाथों से ऑन भी कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।